आज आपको जिक्र ज्यादा करके फिक्र कम करने वाली राजनीति पर दस्तक देनी है। पहली खबर है जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ी हुई, जिस पर पिछले हफ्ते से खूब हल्ला देश में है। उत्तर प्रदेश की सरकार जनसंख्या नियंत्रण नीति का मसौदा लेकर आ चुकी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी आबादी कंट्रोल करने वाले कानून के लिए प्रबल समर्थक हैं। मध्य प्रदेश के कई मंत्री विधायक मांग कर रहे हैं कि आबादी नियंत्रण वाला कानून लेकर आया जाए। संसद में राकेश सिन्हा और रवि किशन भी जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ा कानून बनाने की मांग करता हुआ प्राइवेट मेंबर बिल ला रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर आज की दस्तक देती हुई ये आई है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संसद में लिखित जवाब दिया है और कहा है कि टू चाइल्ड पॉलिसी यानी दो बच्चों की नीति लाने का कोई इरादा केंद्र सरकार का नहीं है। तो सवाल उठता है कि जब केंद्र की सरकार ही दो बच्चों की नीति के समर्थन में ना विचार रखती है ना इरादा, तो फिर राज्यों में बीजेपी की सरकार क्या सिर्फ धर्म के आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण वाली राजनीति के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून का इस्तेमाल करना चाहते हैं? ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, उनको मदरसे में आतंक की तालीम दो। जैसे मुसलमान भाई हैं, उनकी तीन तीन औरतें होती हैं। ये सुविधाएं नहीं लेना चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं, दो बच्चे करें, पांच करें, दस करें, बीस करें। मुस्लिम भाई भी जनसंख्या नियंत्रण की बात को समझेंगे तो हिंदू तो कानूनन रूप से भी रुक जाएगा और वो नौकरी के चक्कर में, बच्चों के करियर के चक्कर में रुक जाएगा। लेकिन क्या होगा, एक वर्ग जो मुस्लिम वर्ग है खासतौर से, उसमें जो अशिक्षित लोग भी हैं तो वो जनसंख्या अपनी बढ़ाना शुरू करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण के जरूरी मुद्दे पर पिछले दो हफ्ते में सिर्फ मुस्लिमों को आबादी नियंत्रण का जिम्मेदार बताते हुए छिड़ी राजनीतिक बहस के बीच अब जो खबर आई वो ये कहती है कि मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, बीजेपी के कई सांसद और संघ की जनसंख्या नियंत्रण के लिए जरूरी कानून वाली सोच के मुकाबले केंद्र सरकार का ही इरादा कुछ अलग है। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश की सरकार आबादी कंट्रोल करने की नीति का मसौदा लाकर दो बच्चों से ज्यादा संतान होने पर निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगाने पर विचार करती है और एक बच्चे की पॉलिसी अपनाने वालों को तमाम फायदे देने का ड्राफ्ट बना चुकी है, और जब संघ का विचार लंबे समय से जनसंख्या नियंत्रण के लिए जरूरी कानून बनाने का रहा है, कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं ना कहीं बाधक हो सकती है और इस पर अनेक मंचों से पिछले चार दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए उसके वहां सकारात्मक परिणाम के सामने देखने को मिले हैं। मैंने कहा जनसंख्या एक समस्या भी है, जनसंख्या एक साधन भी बन सकती है, तो इसका विचार कर एक नीति बननी चाहिए। अभी सरकार की बनी है, जरा और विचार करके बननी चाहिए, सबका मन बनाना चाहिए उसके लिए और बाद में वो लागू करनी चाहिए सब पर। तो वो नीति अगर तय करती इतने हो तो उतने, वो जितने करेंगे उतने, उसमें क्या है, मन बनाए तो फिर कठिनाई नहीं आएगी। ऐसे में जहां किसी नीति या कानून बनाकर आबादी कंट्रोल करने की बात बीजेपी शासित राज्यों और संघ की तरफ से आती है, तब केंद्र सरकार की सोच क्या है ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि संसद के मौजूदा मानसून सत्र में लोकसभा के भीतर होशंगाबाद से बीजेपी के सांसद उदय प्रताप सिंह ने स्वास्थ्य मंत्रालय से पूछा, क्या सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए देश में सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होने वाली कोई नीति लाने का विचार कर रही है, क्या दो बच्चों की नीति लाने का कोई प्रस्ताव है या नहीं है? जवाब में संसद के भीतर स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने कहा कि सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं। तो सवाल उठता है, जब संसद में ही सरकार कहती है कि जनसंख्या नियंत्रण या दो बच्चों की पॉलिसी को लेकर उसका कोई इरादा नहीं, तो क्या सिर्फ आबादी कंट्रोल करने के कानून का मसौदा या कानून लाने की मांग इसलिए की जाती है ताकि धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हो सके? जैसे ताजा बयान सुनिए उत्तर प्रदेश में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री साध्वी गीता प्रधान का। आज हमारे मुस्लिम समाज में तीन तीन पत्नियां जो मुस्लिम समाज के हमारे भाई रखते हैं और तीन तीन पत्नियों के अब 10 बच्चे ही लगा लिए, 30 बच्चे पैदा हो गए, तो जनसंख्या उनकी वजह से बढ़ रही है, बेरोजगारी उनकी वजह से बढ़ रही है।
ऐसे बयान इस बात को स्थापित करते हैं जैसे सिर्फ देश के मुस्लिम नागरिक की आबादी बढ़ाने के लिए सीधे जिम्मेदार है और इसीलिए आबादी नियंत्रण का कानून होना जरूरी है। लेकिन लोकसभा में सरकार की मंत्री चार वजहें गिनाते हुए कहती हैं कि सरकार तो दो बच्चों की पॉलिसी लाने का विचार इसलिए नहीं कर रही क्योंकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के मुताबिक अब वांछित प्रजनन दर घटकर 1.8 हो गई, यानी भारत की महिलाएं अपने औसत जीवन काल में दो बच्चों से कम को ही जन्म देना चाहती हैं। दूसरी वजह केंद्र सरकार बताती है वो अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो भारत को परिवार नियोजन में किसी भी तरह का दबाव बनाने से रोकता है। तीसरी वजह के तौर पर सरकार दुनिया भर के अनुभवों के आधार पर कहती है कि अगर जबरदस्ती आबादी कंट्रोल कराने की कोशिश की जाती है तो लिंग के आधार पर गर्भपात, लड़कियों का त्याग, भ्रूण हत्या जैसी बेहद शर्मनाक चीजें समाज में बढ़ने लगती हैं। और चौथी वजह में सरकार केंद्र की संसद में खुद कहती है कि केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने बिना किसी सख्त कानून और प्रावधान के प्रजनन दर कम की है। तो फिर सवाल उठता है, आबादी कंट्रोल करने के लिए जो बातें केंद्र सरकार संसद में कहती है उससे उत्तर प्रदेश और असम की सरकारें, संघ, मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता क्या इत्तफाक नहीं रखते? या फिर जनसंख्या नियंत्रण एक ऐसा सियासी औजार बन चुका है जिसमें चेहरा विकास का दिखाया जाता है और हकीकत धर्म के आधार पर वोटों के बंटवारे और समाज के बंटवारे की होती है। दिल्ली से पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। स्वतंत्रता जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा देने वाले बाल गंगाधर तिलक की आज जयंती है। आजादी दिलाने के लिए आंदोलन में गणपति उत्सव का सफल प्रयोग करने वाले तिलक ही थे। धर्म का सांस्कृतिक महत्व क्या हो, आंदोलन और राजनीति में धर्म का प्रयोग कैसे और कितना, आज के दौर में राजनेता इसे समझे बिना अपनी अपनी प्रयोगशाला चला रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 7 महीने बाद चुनाव होने हैं और चुनाव से ठीक पहले ब्राह्मण एक सियासी लव स्टोरी का एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका है। ब्राह्मण समाज अगर एकजुट हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, तो कोई ताकत नहीं है कि 13% लोगों को इग्नोर कर दे या उनको नजरअंदाज कर दे। कोई इसमें परिवर्तन नहीं होना है। पहले भी सर्व समाज के लोग, इसमें हमारे आराध्य ब्राह्मण भी रहे हैं, आगे रहेंगे। हमें दिया स्टूल और कुर्सी दे दी हमारे छीन के अपने आरएसएस बीजेपी के लोगों को। समाजवादी पार्टी के साथ बहुत मजबूती से ब्राह्मण जा रहा है। जय श्री राम, जय जय भगवान परशुराम, जय भीम, जय जय भारत। राम परशुराम आगे आ गए और पीछे हो गए जय भीम जय भारत, क्योंकि मंच सज चुका है, मंत्र पढ़े जा रहे हैं, शंख बज रहा है, बीएसपी के मिश्रा जी के हाथ में गदा आ गई है और जाति वर्ण के आधार पर ब्राह्मणों से वोट बटोरने वाली राजनीति पर सोशल इंजीनियरिंग का मुलम्मा चढ़ाकर 2022 के लिए ब्राह्मण एक सियासी लव स्टोरी का आगाज अयोध्या से बहन जी की पार्टी ने कर दिया। सत्ता की चाबी होगी तभी अपने समाज के लिए कर सकते हो कुछ, तो सत्ता की चाबी लेने के लिए आपको कुछ और चाहिए, तो 13% के साथ अगर आपने भाईचारा बनाया, 23% के साथ जो हमारे दलित समाज के भाई बहन हैं, तो अकेले आप दोनों मिलकर के ही इतनी मजबूत ताकत हो जाते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप अपना झंडा फहरा सकते। मतलब जिस संविधान की शपथ लेकर सत्ता चलाना चाहते हैं, जिस संविधान से बने नियम कायदे कानूनों का हवाला वकालत में सतीश चंद्र मिश्रा देते आए, वही भूल गए जिसमें कहा जाता है कि चुनाव एक धर्म निरपेक्ष पद्धति है और इसके आधार पर वोट मांगना संविधान की भावना के खिलाफ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 7 महीने बाद चुनाव है तो 2007 में ब्राह्मण वोट की जिस आग में सत्ता की हांडी चढ़ाकर बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी, उसी का दोबारा प्रयोग होता है। अयोध्या से शुरू हुआ ये ब्राह्मण महासम्मेलन, जिसे नाम प्रबुद्ध वर्ग का दिया गया, मथुरा, काशी, चित्रकूट होते हुए बुद्ध की धरती तक से आगे बढ़ेगा। वोट सीधे मिश्रा जी, शुक्ला जी, पांडे जी, दुबे जी, त्रिवेदी जी, चतुर्वेदी जी, त्रिपाठी जी, तिवारी जी समेत उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण से मांगा जाएगा। ब्राह्मण समाज अगर एकजुट हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, तो कोई ताकत नहीं है कि 13% लोगों को इग्नोर कर दे या उनको नजरअंदाज कर दे।
लेकिन अगर आप एक एक दो दो प्रतिशत करके इधर उधर भटकते रहोगे तो ऐसे ही भटकते रहोगे। एक बार फिर एक नए समीकरण की तरफ आज इशारा किया गया, और सिर्फ समीकरण नहीं, इस बार हिंदुत्व के कार्ड को बड़े ही सॉफ्ट तरीके से बसपा ने भी खेल दिया। राम और बुद्ध को एक साथ याद किया, राम मंदिर की बात की, और राम के बाद यानी अयोध्या के बाद काशी, मथुरा, चित्रकूट और बुद्ध की धरती से भी ऐसे कार्यक्रम होंगे, ये आज साफ कर दिया गया। ब्राह्मणों को एकजुट करके सत्ता का राज दिलक उत्तर प्रदेश में इसलिए नेता चाहते हैं क्योंकि 2007 में कहते हैं ब्राह्मण वोट बड़े समर्थन के दम पर मिला तो बीएसपी 206 सीट तक पहुंच गई, लेकिन उसके बाद ब्राह्मण वोट एक पुष्ट बीजेपी के साथ ही खड़ा नजर आया। सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 53% ब्राह्मणों ने वोट किया। 2014 में 72% ब्राह्मण का समर्थन बीजेपी के साथ रहा। 2019 में दावा है ब्राह्मण वोट बैंक का 82% हिस्सा सीधे बीजेपी के खाते में ही गया। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बीजेपी के खाते से अभी चुंबक की तरह चिपके चल रहे ब्राह्मण वोट को अलग करना मुश्किल है, लेकिन यूपी में क्षत्रिय बनाम ब्राह्मण की राजनीति का रंग फैलाकर थोड़ी सेंध लगाना कठिन नहीं। जैसे मारा कोई अपराधी जाता था उत्तर प्रदेश में तो विपक्षी उसकी जाति बताकर ब्राह्मण वोट बैंक साधने लगते, जैसे दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद भी विपक्षी ब्राह्मण नाम का सहारा लेकर सियासत करने लगे। विकास दुबे के अपराधी भतीजे के एनकाउंटर के बाद पत्नी खुशी दुबे जो जेल में बंद है उसका केस लड़ने की पहल खुद सतीश चंद्र मिश्रा कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि इस ब्राह्मण राजनीति में सिर्फ बीएसपी कूदी है, कांग्रेस में रहते ब्राह्मण चेतना जगाने वाले जितिन प्रसाद अब बीजेपी के लिए शंख बजा रहे हैं। केंद्र में मंत्री पद देना हुआ तो भी एक ब्राह्मण चेहरा अजय मिश्रा का उत्तर प्रदेश से शामिल किया गया। दावा है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट विस्तार में भी ब्राह्मणों की हिस्सेदारी बढ़ सकती है और बीजेपी भी ब्राह्मण सम्मेलन करके अपने साथ जुटे ब्राह्मण वोट पर एकजुटता दिखाने से पीछे नहीं। कोई इसमें परिवर्तन नहीं होना है, पहले भी सर्व समाज के लोग इसमें हमारे आराध्य ब्राह्मण भी रहे हैं, हैं आगे रहेंगे, सर्व धर्म के लोग और समान विचारधारा के जो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के विकास में विश्वास करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को पुनः अपना विश्वास देंगे। अयोध्या में श्री राम मंदिर का क्रेडिट बीजेपी अपने खाते में पूरी तरह लेकर चलती है, बीएसपी इसमें भी सेंध लगाना चाहती है, इसीलिए कहती है कि मायावती की सरकार बनी तो और भव्य मंदिर बनेगा, लेकिन लड़ाई राम से आगे की है। बीजेपी के पास श्रीराम मंदिर है तो समाजवादी पार्टी 108 फीट की परशुराम की मूर्ति लगाने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। मायावती कह चुकी है कि वो एसपी के वादे से भी ऊंची मूर्ति परशुराम की लगवाएंगी। समाजवादी पार्टी के साथ बहुत मजबूती से ब्राह्मण जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हमने लगभग 67 जिलों का दौरा किया है और हमने देखा है कि आज ब्राह्मण समाज को अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से जुड़ने के लिए आतुर है। दरअसल इन सभी दलों की ये सोच कहती है कि ये जनता को नागरिक नहीं जाति के चश्मे से देखते हैं और खुलकर वो नियम कायदा कानून तोड़ते हैं जो इन्हें धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने से रोकता है। अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। जिक्र ज्यादा करो फिक्र कम करो वाली राजनीति की तीसरी कहानी उन मदरसों से जुड़ी हुई है जहां धर्म के आधार पर शिक्षा छोड़ आधुनिक पढ़ाई कराई जाए, इसीलिए बहुत राजनीति होती है। केंद्र सरकार की योजना से मदरसे आधुनिक हो इसका प्रचार भी खूब हुआ, लेकिन उन्हीं मदरसों में मॉडर्न शिक्षा देने का जिम्मा जिन 25,000 शिक्षकों पर है वो 4 साल से पूरी सैलरी नहीं पा रहे। सियासत इस बात की देश में बहुत होती आई कि मदरसों में अब भी सिर्फ धर्म के आधार पर शिक्षा दी जाती है, इसीलिए मदरसों का आधुनिकीकरण हो। जब उन्हीं मदरसों को मॉडर्न शिक्षा लायक देने के लिए तैयार करने की योजना शुरू हुई तो योजनाओं का बंटाधार कैसे होता है, गवाही आज शाइस्ता नदीम और संतोष शुक्ला का परिवार देगा। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने के लिए मदरसा आधुनिकीकरण योजना शुरुआत हुई। मकसद था मदरसों में धर्म की शिक्षा के साथ बच्चों को विज्ञान, भूगोल, गणित और कंप्यूटर पढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश में 8,500 मदरसा आधुनिकीकरण योजना में शामिल है। मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन देने वाले 25,000 शिक्षकों को 4 साल से पूरी सैलरी नहीं मिली। 12,000 रुपए केंद्र सरकार देती है, 3,000 रुपए राज्य सरकार देती है। पूरी सैलरी हम लोगों की 15,000 है।
मगर हम लोगों को सिर्फ 2017 के बाद से 3000 रुपए में जीवन यापन करना पड़ रहा है। ये परिवार शाइस्ता का है जो लखनऊ के पास मलिहाबाद में साइंस पढ़ाती है मदरसे में। 3 बेटियां हैं, सबसे छोटी बच्ची का इलाज चल रहा है। मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने वाली शाइस्ता जैसी शिक्षकों की सैलरी में 2017-18 तक पूरा हिस्सा केंद्र को देना होता था। 2017 के बाद से वेतन का 60% हिस्सा केंद्र और 40% राज्य देंगे ये तय हुआ। यूपी सरकार तो अपना हिस्सा देती आई, लेकिन दावा है पिछले 4 साल से 1 रुपए केंद्र के हिस्से से नहीं आया तो सैलरी कभी पूरी नहीं मिली। 2017 के बाद से हम लोगों को केंद्र सरकार से जो 12,000 रुपए पर मंथ मिलता है उसमें से कुछ भी नहीं मिला अभी तक। मतलब मदरसे के नाम पर सिर्फ राजनीति होगी। मदरसा मॉडर्न करने का ढिंढोरा पीट कर वाहवाही भी सबके विकास की लूटी जाएगी, लेकिन उन्हीं मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने का जिम्मा जिन नदीम खान जैसे शिक्षकों के कंधों पर होगा, उनके परिवार को जीने लायक वेतन भी नहीं देंगे। जो कंडीशन हम लोगों की है ये बताने के लायक समझ लिए नहीं है ऐसी कंडीशन में। और हम लोग जो है दूसरी जगह कहीं जॉब भी तो नहीं कर सकते प्राइवेट में, क्योंकि मसला ये है कि अब हम एक तरफ लगे हैं तो दूसरी तरफ हम अपनी, और फिर हम लोग तो ओवर एज हो चुके हैं, कहीं हम लोग को जो है तो नौकरी भी नहीं मिल सकती दूसरी जगह। कहने को सरकारी नौकरी, लेकिन ये दर्द अकेले शाइस्ता और नदीम के परिवार का नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसे 25,000 शिक्षक हैं जिनको सालों से अपने मेहनत की कमाई का पैसा नहीं मिल पा रहा। केंद्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार अपना हिस्सा दे, राज्य सरकार कहती है कि जब केंद्र से पैसा आएगा तो हम भी अपना हिस्सा दे देंगे। ये मत सोचिएगा कि यहाँ सिर्फ मुस्लिम नागरिक ही मदरसों में मॉडर्न शिक्षा देते हैं। 25,000 शिक्षक जिनकी सैलरी 4 साल से केंद्र की तरफ से फंड न मिलने पर अटकी है, दावा है उनमें 40% हिंदू शिक्षक है। उनमें से एक है वेतन के लिए तरसते बहराइच के संतोष शुक्ला। मरने की कगार पर हम लोग जूझ रहे हैं, किसी तरीके से शादी विवाह कथा आई थी, आज से किसी तरीके से घर चल रहा है। राज्य सरकार जो अपना पैसा 3,000 करके दे भी रही है, वो भी 2-3 महीने करके देती है, तो जब तक वो पैसा आता है तब तक उससे 2 गुना कर्जा हो जाता है सर जी। सबका साथ सबका विकास का नारा है तो मदरसों को बदलने का जिम्मा जिनके कंधे पर वो लाचार क्यों? इनके हक का वेतन दिलाने को शिक्षक संघ के नेता दिल्ली तक दौड़े तो पता चला केंद्र के विभागों ने भी अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर में गया तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे यहाँ स्कीम इस साल से आई है तो मैं इस साल से 21-22 से आप लोगों को पैसा दूंगा, पिछला पैसा आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से लीजिए। जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में गया सर तो उन्होंने कहा कि आप लोगों का स्कीम हमारे यहाँ से ट्रांसफर हो गई है, आप मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से पैसा लीजिए। बताइए 4 साल का जो पैसा हमारे टीचरों ने काम किया है वो तो कुछ देने के कहीं नहीं रहा है सर। माननीय मंत्री जी से भारत सरकार के प्रयास करूंगा, उनसे मिल करके इस समस्या से अवगत कराऊं और पैसे लेकर के ला करके जो भी हमारे भाई बहन टीचर्स हैं जो पढ़ाई का काम कर रहे हैं, आधुनिकीकरण में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उनको सैलरी मिल जाए, ये हमारा प्रयास। उत्तर प्रदेश के इन शिक्षकों के हक का 775 करोड़ रुपया भी केंद्र सरकार के विभाग ने जारी नहीं किया, तो क्या अब इन टीचर्स के हक की दस्तक वो विभाग केंद्र के सुनेंगे या फिर मान ले कि मदरसों को आधुनिक बनाने का सिर्फ ढिंढोरा ही पीटा जाएगा। संतोष कुमार, लखनऊ आज तक। अब पंजाब की राजनीति की वो दस्तक जिसमें पार्टी के कैप्टन आज नवजोत सिंह सिद्धू पूरी तरह से बन गए और कमान मिलते ही मंच से ही सिद्धू ने हाव भाव से ये जताना शुरू कर दिया कि अब गुरु वही हैं। हालांकि पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कैप्टन को मंच पर नजरअंदाज भले सिद्धू कर लें, राजनीति के मैदान में नहीं कर पाएंगे। सिकंदर बना के खड़ा करूं, सारे पंजाब का कांग्रेस का वर्कर कांग्रेस का प्रधान बन गया। 125 दिन बाद नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह का आमना सामना हुआ। सिद्धू ने अमरिंदर से माफी तो नहीं मांगी, लेकिन फिर भी पंजाब कांग्रेस के नए कप्तान के तेवर देखने लायक थे। मंच पर बैठे सिद्धू जब भाषण देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने सबसे पहले भगवान को याद किया, क्रिकेट शॉट मारने का एक्शन किया और अपने दाई और बैठे कैप्टन और हरीश रावत को अनदेखा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रजिंदर कौर भट्टल और लाल सिंह की तरफ बढ़कर आशीर्वाद दिया।
इस तरह मंच पर सिद्धू ने कैप्टन की खूब अनदेखी की और ऐलान किया कि 15 अगस्त से उनका बिस्तर कांग्रेस भवन में लगेगा। देखो कड़े विरोधी कहते सी आज कांग्रेस एक मुठ है, एक झूठ है, एक मुठ है, एक झूठ है। तो समुंदर है कार्यकर्ता, समुंदर है वर्कर, जिस सामने अस्तित्व खोना है। मंच जहां अमरिंदर सिंह के तेवर नरम दिखे तो सिद्धू अपने तेवर से सबका ध्यान आकर्षित कर रहे थे। कैप्टन के बगल में बैठने के बावजूद सिद्धू और कैप्टन की नजरें नहीं मिली। दोनों नेता तिरछी नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे और कांग्रेस के इन दोनों नेताओं के बीच सामने से कोई बातचीत होती नहीं दिखी। कांग्रेस आलाकमान के आशीर्वाद से नवजोत सिंह भले ही कैप्टन के खिलाफ अपनी लड़ाई का पहला राउंड जीत चुके थे, लेकिन उन्हें राजस्थान का उदाहरण याद रखना चाहिए, जहां प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को जीत दिलाने वाले सचिन पायलट अपने पार्टी के सीनियर और विरोधी अशोक गहलोत से सत्ता की जंग में मात खा गए। वैसे भी राजनीति के खेल में कैप्टन भी गहलोत से कम नहीं है। मंजीत सहगल के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। अश्लील फिल्म केस में आज मुंबई क्राइम ब्रांच ने 6 घंटे तक पूछताछ की है। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा इस मामले में पहले ही मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में है, लेकिन शाम को मुंबई पुलिस राज कुंद्रा को लेकर शिल्पा शेट्टी के घर पहुंची और दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की, जो 6 घंटे तक चली है। अब मुंबई क्राइम ब्रांच शिल्पा शेट्टी के बैंक अकाउंट को भी खंगालने के लिए जा रही है। आगे और क्या होगा, ये सवाल महत्वपूर्ण है। I met him in London. He came and he touched my mom's feet and he was trying to, you know, I think impress me. Better immunity, better health, swastro, mastro, keep at it. Woohoo! शिल्पा शेट्टी से राज कुंद्रा का न जाने कितनी बार आमना सामना हुआ होगा। पहली बार मुलाकात से लेकर शादी के मंडप तक सोशल मीडिया के वीडियो बनाने से लेकर एक आदर्श जोड़े के रूप में फोटो खिंचवाने तक शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की नजरें अनगिनत बार मिली होंगी, लेकिन जो मुलाकात शिल्पा शेट्टी के बंगले में मुंबई पुलिस की इस दस्तक के बाद हुई होगी, उसकी तुलना करना नामुमकिन है। शिल्पा शेट्टी के बंगले का दरवाजा न जाने कितनी बार खुला होगा, लेकिन MH04EP0083 नंबर वाली इस गाड़ी की एंट्री की धमक से शिल्पा का दिल सहम गया होगा। मुंबई पुलिस राज कुंद्रा को लेकर पूछताछ करने के लिए आने वाली है। इसकी खबर लगता है कि शिल्पा शेट्टी को पहले ही लग चुकी थी, क्योंकि जब शिल्पा के किनारा नाम के इस बंगले का गेट खुला तो अंदर खड़े दर्जनों लोगों की हवाइयां उड़ी हुई थी। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की शादी बॉलीवुड की सबसे महंगी शादियों में शुमार है। साल 2009 से पहले राज कुंद्रा को कोई नहीं जानता था, लेकिन शिल्पा शेट्टी का नाम जुड़ने से वो सुर्खियों में आ गए। सोशल मीडिया के जरिए शादीशुदा जोड़ा अपने रिश्ते की खूबसूरती की महक बांटता रहा, लेकिन शिल्पा की जिंदगी में उनके पति से जुड़ी बदनामी दस्तक दे चुकी है, क्योंकि अश्लील फिल्म बनाने के मामले में मुंबई पुलिस की एक टीम न सिर्फ शिल्पा के घर पहुंची, बल्कि उसने शिल्पा शेट्टी से पूछताछ भी की। फिलहाल जो क्राइम ब्रांच है उनको तलाश है कुछ चीजों की, जिसकी वजह से ये रेड की जा रही है, और साथ ही क्योंकि शिल्पा शेट्टी भी हैं घर में तो उनसे भी पूछताछ होगी। लेकिन आपको एक याद दिला दें कि अदालत में क्राइम ब्रांच ने ये आरोप सीधे लगाया था कि किस तरह से इस पूरे मामले में काफी सारे जो क्रूशियल एविडेंस है, व्हाट्सएप की कई सारी जो एविडेंस है वो सब मिटाए गए हैं राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद। यानी कि जब राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हो गई थी उसके 2 से 3 दिन बाद कई सारे जो एविडेंस है वो मिटाए गए थे, और यही वजह है कि ये जो रेड अब इस बार की जा रही है उस पूरे एविडेंस को जो वापस खोजने की तैयारी कर कोशिश कर रही है क्राइम ब्रांच। इसके अलावा कुछ और एविडेंस अगर उनके हाथ लगे तो उसकी भी तलाश में फिलहाल क्राइम ब्रांच के अधिकारी यहां जुहू में लगे हुए हैं। इससे पहले राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस बायकला जेल से अदालत लेकर गई और राज कुंद्रा की कस्टडी बढ़ने के बाद वो शिल्पा के घर जा पहुंची।
राजकुंद्रा जो अभी तक अपने घर के अंदर यहाँ पर थे, अभी देखिए उनको क्राइम ब्रांच के अधिकारी यहाँ से ले जा रहे हैं वापस इसी गाड़ी में। देखिए पुलिस के अधिकारी जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं निकालने की यहाँ से लोगों को। ये बीच में बैठे हैं राजकुंद्रा और अभी लंबी पूछताछ जो सीधे हुई है अभी उसके साथ, अभी देखिए इसमें ये जो पुलिस के अधिकारी है वो कोशिश कर रहे हैं कि इसमें लेके जाए। और यहाँ शिल्पा शेट्टी से भी लंबी पूछताछ हो चुकी है। अश्लील फिल्मों के निर्माण के आरोप में गिरफ्तार हुए राजकुंद्रा की अदालत में पेशी के दौरान मुंबई पुलिस ने हिरासत की मांग की। बताया कि उसे राजकुंद्रा के व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि वो न सिर्फ 119 से ज्यादा पॉर्न वीडियो बना चुके हैं बल्कि उसे 9 करोड़ रुपए में बेचने वाले हैं। ये एक इंटरनेशनल लेवल की डील थी। ये दलील सुनने के बाद अदालत ने राजकुंद्रा को 27 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन होने के लिए रिमांड रिपोर्ट फाइल किया था। वो सब इन्वेस्टिगेशन होने के लिए जो अश्लील वीडियो बनाए हैं आरोपी ने उसका प्राइमरी फेसी रोल है इसके लिए, और जो आर्थिक देवन घेवन हुई है ये वो भी तपास होने बाकी है, और जो वांटेड एक्यूज है उसको भी अरेस्ट करना बाकी है। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के लिए हमने अदालत से ज्यादा पुलिस कोठड़ी की मांग की थी और माननीय न्यायालय ने हमारी मांग मानते हुए दिनांक 27 तारीख तक ये दोनों आरोपी को पुलिस हिरासत में भेज दिया। मुंबई पुलिस का कहना है कि ये केस काफी बड़ा है जो सिर्फ कुछ पॉर्न फिल्मों तक सीमित नहीं है और राजकुंद्रा इसे प्रॉपर संगठित तरीके से अंजाम दे रहे थे, इसलिए पुलिस ने जांच के लिए राजकुंद्रा की ज्यादा कस्टडी मांगी। लेकिन यह सवाल ही उठता है कि अश्लील फिल्मों के इस मामले में पुलिस ने शिल्पा शेट्टी से पूछताछ क्यों की, तो इसका जवाब है वियान ग्रुप ऑफ कंपनी। मुंबई पुलिस ने वियान ग्रुप ऑफ कंपनी के अंधेरी वेस्ट ऑफिस पर छापा मारकर वहां से अश्लील डेटा जुटाया था। शिल्पा शेट्टी इस कंपनी से बतौर डायरेक्टर जुड़ी रही है, इसीलिए मुंबई पुलिस शिल्पा से पूछने उनके बंगले पहुंची कि क्या उनको कंपनी के जरिए बन रही अश्लील फिल्मों की जानकारी थी, क्या वो जानती थी कि उनके पति राजकुंद्रा पॉर्न फिल्मों का रैकेट चला रहे थे। शिल्पा शेट्टी पिछले साल बयान ग्रुप के डायरेक्टर का पद छोड़ चुकी हैं, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने उनसे पूछा कि उन्होंने पद क्यों छोड़ा और वो कब तक इस पद पर बनी रही। क्राइम ब्रांच शिल्पा के बैंक खाते की भी जाँच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या शिल्पा शेट्टी को अश्लील फिल्मों के इस रैकेट से कोई फायदा तो नहीं हुआ। पुलिस की जांच में पता चला कि मुंबई के उपनगरों में बंगला किराए पर लेकर अश्लील फिल्मों की शूटिंग होती थी। जब पुलिस ने इस बंगले पर छापा मारा तब भी शूटिंग चल रही थी। अब पुलिस ये जानना चाहती है कि शिल्पा शेट्टी व्यान ग्रुप की डायरेक्टर होने के नाते इस सारे खेल के बारे में कितना जानती थी। राजकुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शिल्पा शेट्टी ने चुप्पी साध ली थी, वो अपनी शूटिंग पर भी नहीं जा रही थी और साथ ही सोशल मीडिया से भी उन्होंने दूरी बना रही थी, लेकिन अपनी बात रखने के लिए आखिरकार उन्हें इंस्टाग्राम का सहारा लेना ही पड़ा। शिल्पा ने किताब की झलक शेयर की जिसमें उन्होंने अपने जज्बात जाहिर करने के लिए जेम्स थर्बर की लिखी बातों का जिक्र किया और लिखा, गुस्से में पीछे और डर के मत देखो, लेकिन जागरूकता में चारों ओर देखो। फिलहाल जो हो चुका है या जो हो सकता था उसे लेकर बेचैन नहीं दिखना, पर इसके बारे में जागरूकता रखनी है। मैं गहरी सांस लेती हूँ ये जानते हुए कि मैं लकी हूँ, कि मैं जिंदा हूँ। मैं पहले भी चुनौतियों से निकली हूँ और भविष्य में भी ऐसा ही होगा। कोई भी जरूरत मुझे आज अपनी जिंदगी जीने से रोक नहीं सकती। सोशल मीडिया पर दूसरों का हौसला बढ़ाने वाली शिल्पा शेट्टी आज खुद मुश्किल से निकलने के लिए किताबों में प्रेरणा ढूंढ रही है। अगर राजकुंद्रा से जुड़ा विवाद सामने नहीं आया होता तो मीडिया में उनकी कमबैक फिल्म हंगामा 2 की चर्चा हो रही होती। सोशल मीडिया पर फिटनेस से जुड़े वीडियो डालने वाली, अपने वर्कआउट वीडियो के लिए ट्रेंड होने वाली शिल्पा शेट्टी अपनी फिल्म का प्रचार कर रही होती, लेकिन राजकुंद्रा से जुड़े होने की वजह से उन्हें मुंबई पुलिस के सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। मुंबई से विद्या और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। बताया जाता है कि राजकुंद्रा के हॉटशॉट्स ऐप के 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे जिन पर अश्लील फिल्म देखने के लिए मोटा पैसा लिया जाता था। दावा है कि राजकुंद्रा इस ऐप से लाखों रुपए की कमाई कर रहे थे।
इस बीच पुलिस के हाथ अहम सबूत लग गए, जिसमें सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद सर्वर से काफी डेटा डिलीट कर दिया गया है। जब शिल्पा शेट्टी ने शादी की तो राज कुंद्रा की पहचान एक ब्रिटिश कारोबारी की थी, लेकिन आज 12 साल बाद शिल्पा शेट्टी के पति एक ऐसा नाम बन चुके हैं जिसका विवादों से पुराना नाता है। आईपीएल फिक्सिंग से लेकर अंडरवर्ल्ड डील तक करने के इल्जाम उनके दामन पर रख चुके हैं, लेकिन अश्लील फिल्म बनाने का आरोप सबसे गहरा है। पॉर्न फिल्म बनाने के मामले में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी की पटकथा इसी साल फरवरी में लिखी जा चुकी थी। मुंबई पुलिस अश्लील फिल्म बनाने वाले गिरोह का सुराग तलाश रही थी और इसी दौरान राज कुंद्रा का नाम सामने आया। इसी साल फरवरी को मुंबई के मालवानी थाने में क्राइम ब्रांच ने आईपीसी की धारा 292, 293 और 420 के तहत मामला दर्ज किया। फरवरी में केस दर्ज करने के बाद भी मुंबई पुलिस को पुख्ता सबूत की तलाश थी, ताकि ये साबित किया जा सके कि राज कुंद्रा एप्स द्वारा अश्लील फिल्में बनाकर शेयर कर रहे हैं। मुंबई पुलिस के अफसर ये जानते थे कि बिना सबूत के राज कुंद्रा पर हाथ डालना भारी पड़ सकता है, इसीलिए उन्होंने सबूत की तलाश तेज कर दी और उन्हें वो मिल भी गया। मुंबई की क्राइम ब्रांच को गुप्त जानकारी मिली थी कि मलाड पश्चिम के मडगांव में एक किराए के आलीशान बंगले में अश्लील फिल्म की शूटिंग चल रही है। जब पुलिस ने छापा मारकर हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि अश्लील फिल्म मोबाइल एप्लीकेशन के लिए बनाई जा रही है, जिन्हें देखने के लिए पैसा देकर मोबाइल एप्लीकेशन की सदस्यता लेनी होती है और जिससे अश्लील फिल्म बनाने वाले लाखों की कमाई करते हैं। खुलासे के बाद 19 जुलाई को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए बुलाती है। शाम से जो पूछताछ शुरू होती है, बस कुछ ही घंटों में ये खबर आती है कि राज कुंद्रा को 11 बजे के करीब क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। देश भर से हजारों नौजवान फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई आते हैं, लेकिन अधिकतर के सपने पूरे नहीं होते। मुंबई पुलिस के अनुसार ऐसे ही लोगों का इस्तेमाल राज कुंद्रा जैसे लोग अश्लील फिल्में बनाने के लिए कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार फिल्म में काम दिलाने के नाम पर लड़कियों को पॉर्न फिल्मों की तरफ धकेला जाता था। ऐसी फिल्मों की शूटिंग के लिए बंगले किराए पर लिए जाते थे और फिर इन पॉर्न वीडियो को एडल्ट साइट और ऐप पर अपलोड किया जाता था। नए कलाकार होते हैं, स्पेशली महिला कलाकार जो होते हैं, इनको प्रलोभन दिया जाता है, इनको आमिष दिया जाता है कि आपको एक अच्छी वेब सीरीज हम दे सकते हैं या कोई शॉर्ट स्टोरीज में आपको हम अच्छा ब्रेक दे सकते हैं। ऐसे करके आप उनका ऑडिशन के लिए बुलाया जाता था या कुछ शॉर्ट्स लिए जाते थे और इस शॉर्ट्स में थोड़ा सा बोल्ड सीन करना पड़ेगा, वो बोल्ड का ट्रांसलेशन धीरे धीरे सेमी न्यूड और फिर फुल न्यूडिटी के तरफ वो पिक्चराइजेशन जाते थे, जिसमें ये महिला कलाकारों ने अपोज किया था और इन्हीं में से कुछ क्राइम ब्रांच के पास आई थी, जिसकी वजह से ये गुनाह दाखिल हुआ था। अदालत में मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल के वकील ने बताया कि राज कुंद्रा अश्लील वीडियो बनाकर उसे बेचते थे, जिससे उन्हें अच्छा खासा फायदा हो रहा था। कुंद्रा की कंपनी व्यान के अकाउंट में काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी पाई गई है, जो बताती है कि राज कुंद्रा इस गोरख धंधे में लाखों रुपए कमा रहे थे। लेकिन वो ये जानते नहीं थे कि एक दिन ये विवाद उनके घर की चौखट तक जा पहुंचेगा और शिल्पा शेट्टी से पुलिस ये सवाल करेगी कि क्या वो जानती थी कि उनके पति अश्लील फिल्में बनाते थे। मुंबई से विद्या और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। गोवा कर्नाटक बॉर्डर पर एक ट्रेन लैंडस्लाइड का शिकार हो गई। चलती ट्रेन में पानी भरने लगा और चारों तरफ से गिरी मिट्टी में ट्रेन धंस गई। जिस जगह यह हादसा हुआ वो कर्नाटक का बेलगावी है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, यकीनन ये तस्वीरें परेशान करती हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह से चलती ट्रेन में पानी भरने लगा और चारों तरफ से गिरी हुई मिट्टी में ये ट्रेन धंसती हुई चली गई। जिस जगह यह हादसा हुआ वो कर्नाटक राज्य का बेलगावी इलाका बताया जा रहा है। इसी के साथ दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।